हरिहंत की रसोई 100% वेज आज अपने यहाँ कन्या खिलाने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, आज आप मैं सोच रही हूँ कि आप सभी को भी दिखा दूँ कि मैं अपने यहाँ कन्या भोग में क्या बनाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने प्रेशर कुकर में 2 बड़े चम्मच ये तेल चढ़ाया हुआ है। मैं बना रही हूँ कन्याओं के भोग के लिए आज ये आलू और चने की सब्जी। ये आलू और चने की सब्जी बनाने के लिए मैंने ये 100 ग्राम चना लिया हुआ है, जिसे रात भर के लिए भिगो दिया और ये सुबह के समय मैं बना रही हूँ। ये लगभग 250 ग्राम आलू है, छोटी कन्याएं हैं, ज़्यादा नहीं खाती हैं। ये 3 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के कटे हुए। ये हरी मिर्च है, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, बच्चे ज़्यादा मिर्च नहीं खाते हैं। और ये 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक है। ये हमारा तेल गरम हो जाए, सब्जी के साथ मैं बच्चों के लिए सूजी का हलवा और पूड़ियाँ भी बनाने वाली हूँ कन्याओं के भोग के लिए। ये तेल हमारा गरम हो रहा है, इस समय गैस की फ्लेम मैंने फुल पर करके रखी हुई है। ये बिना प्याज लहसुन का भोग बनाया जाता है। ये तेल हमारा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें 1 चम्मच ये जीरा डालूंगी, ये बारीक कटा हुआ अदरक, इस समय गैस की फ्लेम को मैं स्लो कर दूंगी, ये हरा धनिया पाउडर 2 छोटे चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें ये थोड़े बारीक कटे हुए हरे मिर्चें भी डालूँगी। अब इसमें ये टमाटर, अब 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें नमक डाल दूंगी, जिससे हमारे टमाटर जल्दी से और अच्छी तरह से गल जाए। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ये मैं लगभग 10 बच्चों को खिलाने के लिए बना रही हूँ भोग। अगर आप ज़्यादा बच्चों को बुलाएं तो ज़्यादा मात्रा में बनाइएगा। इन टमाटरों को हम अच्छी तरह से गलने देंगे। ये हलवा बनाने के लिए मैंने एक भारी तली की कढ़ाई ली हुई है, इसमें 2 चम्मच प्योर घी डाला हुआ है। ये हमारा प्योर घी पिघलने लगा है। अब इस घी में मैं इलायची डालूंगी, कुटी हुई इलायची, आप चाहें तो इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें लगभग 200 ग्राम के करीब सूजी डालूंगी। ये 200 ग्राम सूजी है और इसको धीरे धीरे स्लो फ्लेम पर, गैस की फ्लेम एकदम स्लो रहनी चाहिए, और इस सूजी को लगातार चलाते हुए हम लगभग 8 से 10 मिनट भूनेंगे। लगातार चलाते रहिएगा, जिससे ये बिल्कुल भी जलने ना पाए, इसका कलर चेंज होने लगेगा धीरे धीरे। ये गैस की फ्लेम एकदम स्लो है और मैं सूजी को लगातार चलाते हुए भूनूंगी। ये हमारे टमाटर देखिए, नमक डालने से जल्दी और अच्छे से गल गए हैं। ये देखिए, ये सारा खाना बिना प्याज और लहसुन का बनता है।
हमारे यहाँ हमेशा यही खिलाया जाता है। अब इसमें मैं ये 100 ग्राम भीगे हुए चने ऐड कर दूंगी। और ये सारे आलू, ये देखिए, इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक हम डाल चुके हैं पहले। 1 मिनट हम इसे इसी तरह से पकने देंगे, भुनने देंगे। और ये देखिए, ये हमारी सूजी भी भुनती जा रही है, लेकिन अभी इसे भुनने में काफ़ी टाइम और लगने वाला है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 गिलास के करीब पानी। बहुत ज़्यादा गीला नहीं बनाना है, लटपटी सब्जी बना रही हूँ मैं। अब इसे हम बंद कर देंगे और 1 सीटी फुल फ्लेम पर आने देंगे, उसके बाद 3 सीटी स्लो फ्लेम पर आने देंगे और उसके बाद हम अपनी सब्जी को बंद कर देंगे। तब तक हमारा चना बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। और ये इधर हम अपनी सूजी को लगातार भूनेंगे, क्योंकि अभी 8-10 मिनट नहीं हुए हैं, सिर्फ 1 या 2 मिनट ही हुए हैं और अभी हमारी सूजी बिल्कुल भी नहीं भुनी है, पूरी तरीके से कच्ची है। ये 4 सीटी में मैंने ये कुकर बंद कर दिया है, यानी कि हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। और ये देखिए, 8 से 10 मिनट लगातार मैं इस सूजी को स्लो फ्लेम पर भून रही हूँ। अब ये भून चुकी है, इसमें एक अच्छी सी, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और ये देखिए, इसका कलर भी बहुत हद तक बदल चुका है, लाइट ब्राउन हो गया है। बस हमें इतना ही परफेक्ट कलर चाहिए था। अब इसके आगे अगर हम भूनेंगे तो ये सूजी हमारी जलने लगेगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 गिलास पानी, ये नॉर्मल पानी है, 1, और ये 2 गिलास पानी। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये 1 कटोरी चीनी मैं इसमें डालूंगी, पूरी 1 कटोरी। हलवा और खीर मीठे ही अच्छे लगते हैं, फिर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही चीनी डालिएगा। ये बारीक कटे हुए मेवे हैं, जिसमें मैंने काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, चिरौंजी ये डाला हुआ है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी मेवे डाल सकते हैं या जो आपको इजीली अवेलेबल हो। ये मैं काटा हुआ नारियल यानी गरी कोकोनट ये भी ऐड करूंगी 1 बड़ा चम्मच। और अब इसे मैं इसी तरीके से खुला 4 से 5 मिनट पकने दूंगी। ये कन्याओं को खिलाने के लिए ये बिना प्याज लहसुन की चने और आलू की सब्जी देखिए कितना अच्छा कलर है। बिना प्याज लहसुन का खाना भी कितना अच्छा होता है, जितना ये आपको दिख रहा है उतना ही ये टेस्टी भी है। और ये मैं इसको निकाल लेती हूँ कन्याओं को खिलाने के लिए। ये सब्जी चने और आलू की, बिना प्याज लहसुन की, इसके ऊपर मैं डालूँगी हरा धनिया। ये देखिए, 3 से 4 मिनट जैसा मैंने आपको बताया था खोल कर पकाने के बाद, ये हमारा हलवा भी बन कर के तैयार है। इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए, कन्याओं के लिए खाने को ये हलवा। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये कद्दूकस किया हुआ नारियल डालूंगी, गार्निश करूँगी थोड़ा सा। और ये बीच में 1 बादाम। ये देखिए, हमारी कन्याओं को खाने के लिए ये उन प्रसाद तैयार है। गेहूं के आटे की सिंपल सी पूड़ियां हैं, चने और आलू की बिना प्याज लहसुन की सब्जी,
ये सूजी का हलवा और मैं बच्चों को देने ये सब मैं बच्चों को देने वाली हूँ गिफ्ट में। और ये बच्चों के लिए कन्याओं के लिए भोजन की थाली बिना प्याज लहसुन की। ये देखिए माता रानी के रूप में छोटी छोटी प्यारी प्यारी कन्याएं मेरे घर पर धार चुकी आशीर्वाद देने। अब मैं इनकी आवभगत में लगने वाली हूँ। इनके साथ एक लंगूर महाराज भी हैं। हमारे यहाँ लंगूर खिलाने की भी प्रथा है। मुझे उम्मीद है कि मेरा चैनल आप सभी को बहुत पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। जल्दी आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।